दिल छू लेने वाली कहानी। एक बार एक गरीब घर के लड़की की शादी हुई। जब वह शादी करके अपने पति के साथ ससुराल पहुंची, तो लोगों ने लड़के से पूछा, क्या क्या मिला है दहेज में? कुछ देर तो लड़का चुप रहा, फिर जब उसे अपनी दुल्हन की रोने की आहट सुनाई दी तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो मुस्कुराकर बोला, आज मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया हूँ, क्योंकि आज एक बाप ने मुझे अपनी जान से भी प्यारी बेटी दे दी, एक भाई ने अपनी कमजोरी दे दी, एक बहन ने अपनी परछाई दे दी, और तो और एक माँ जो दुनिया को सब कुछ दे सकती है पर अपनी संतान नहीं, उस माँ ने अपने आंचल में खेली गुड़िया दे दी, और क्या चाहिए मुझे। ये सुनकर लड़की के आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगे और लोगों ने चुपचाप अपने सर नीचे झुका लिए। दोस्तों, स्त्री को देने वाले उपहार में सबसे बेहतर चीज है उसका सम्मान करना। औरत कभी उधार नहीं रखती, प्यार, इज्जत, खुशी और नफरत सब दुगना करके लौटाती है। दोस्तों, अपने बेटे को इतना काबिल बनाओ कि शादी में दहेज मांगना ना पड़े, और अपनी बेटी को इतना पढ़ाओ कि दहेज देना ना पड़े। अगर सहमत है तो यस लिखे। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें फॉलो करके अपना दोस्त बना लो, और वीडियो को खूब लाइक और शेयर करो।